जनसंपर्क अभियानाच्या निमित्तानं मोदी सरकारच्या 9 वर्षाच्या कारकिर्दीवर त्या ठिकाणी प्रकाशझोत टाकणार आमचं अभियान आहे आणि त्यानिमित्तानं केंद्रातल्या नेत्यांचा प्रवास 4-4 लोकसभा क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी सुरू आहे आणि सिटी रवीजी यांचा प्रवास मुंबईचे 3 लोकसभा मतदारसंघ आणि भिवंडी लोकसभा अशा 4 लोकसभा क्षेत्रामध्ये त्यांचा प्रवास आहे. त्यांनी 2 दिवस मुंबईतल्या 3 लोकसभा क्षेत्रामध्ये ईशान्य मुंबई मनोज कोटक, त्यानंतर उत्तर मुंबई गोपाळ शेट्टी आणि पूनम महाजन या 3 लोकसभा क्षेत्रात प्रवास केला. त्याच्यामध्ये त्यांनी अभियानाअंतर्गत ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ठिकाणी जुन्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा असेल, प्रभावशाली व्यक्तिमत्वांची भेट असेल, पत्रकारांशी संवाद असेल, विकास तीर्थ त्या ठिकाणी प्रकल्पांना भेट असेल, अशा पक्षांना अभियानानंतर अंतर्गत ज्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या गोष्टी ते त्या ठिकाणी करतायत. आणि आज या सर्व अभियानाच्या निमित्तानं किंवा महाराष्ट्राचे प्रभारी म्हणून आज आपल्याशी ते संवाद साधणार आहेत. मी आदरणीय सिटी रवीजींना विनंती करतो की आणि त्यांनी पत्रकार परिषदेला या ठिकाणी संबोधित करावं. सन्मानाने सिटी रवीजी. सर्वांना नमस्कार, सभिको नमस्कार. मे 30 तारीख को मोदी जी का 9 साल सत्ता में बैठ करके हो चुका है. उसके वजह से देश भर महाजनसंपर्क अभियान के तहत हम लोग अलग अलग रूप में हर जनता तक पहुंचने के लिए योजना बनाया है. इसके वजह से हर लोकसभा क्षेत्र में मई 30 से लेकर जून 30 तारीख तक अलग अलग प्रोग्राम तय किया है. पहले प्रबुद्ध वर्ग के साथ तो संवाद, उसके बाद लाभार्थी सम्मेलन, उसके बाद व्यापारी के साथ तो संवाद, व्यापारी लोगों के साथ संवाद, हर घर मिलाकर तो महासंपर्क से समर्थन, ऐसा योजना तय करके लगभग 500 लोकसभा क्षेत्र में केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी के साथ सभी लोग एक एक क्लस्टर, 4 लोकसभा क्षेत्र का, 3 लोकसभा क्षेत्र का क्लस्टर के नाते प्रोग्राम तय करके अनेक मंत्री के साथ पार्टी पदाधिकारी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं. मोदी जी प्रधानमंत्री पद में आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद गति भी है, प्रगति भी है. एक जमाना था कांग्रेस नेतृत्व का, यूपीए सरकार सत्ता में थी, उस समय अटकाना भटकाना लटकाना पॉलिटिक्स चलता रहता था. आज ऐसा नहीं है. आज नो अटकाना नो भटकाना, आज पैलिसी पैरालिसिस से बाहर आकर के प्रोएक्टिव, मोदी सरकार प्रोएक्टिव भी है, प्रो रेस्पॉन्सिव भी है, प्रो पूर भी है. रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म्स के माध्यम से काम कर रहा है. आप सोचिए कितना रिफॉर्म लेके आया है, एनईपी के लेकर, जीएसटी के लेकर, नीति आयोग से लेकर, वन नेशन वन रेशन के लेकर बहुत रिफॉर्म्स लेके आया है. उसके साथ तो आर्टिकल 370 हटाया भी है,
और परफॉर्म भी किया है। मोदी जी आने के पहले देश पर 74 एयरपोर्ट थी, आज 149 एयरपोर्ट काम कर रहा है। 9 साल में 100% एयरपोर्ट बढ़ाया है। ऐसा ही 396 न्यू यूनिवर्सिटीज, 7 आईआईटी, नया आईआईटी, नया आईएएम, लगभग 225 नया मेडिकल कॉलेजेस, ऐसा प्रगति में देश चल रहा है। अंत्यो सबके साथ सबका विकास के माध्यम से अंत्योदय योजना तय करके जनधन से लेकर उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान, सुरक्षा बीमा, ऐसा गरीबी कल्याण अन्न योजना, नया योजना जनता तक पहुंच रहा है। पहले एक जमाना थी, उस जमाने में कांग्रेस जमाने में हर दिन स्कैम, कांग्रेस माने स्कैम, बीजेपी आने स्कीम। आज का दिन स्कैम नहीं है, केवल स्कीम चल रहा है। जनता तक, जनता हर जनता को स्कीम मिल रहा है। कांग्रेस जमाने में हर दिन अखबार में स्कैम पर स्कैम का रिपोर्ट आता था, आज स्कैम का रिपोर्ट नहीं है, स्कीम हर जन लोग तक, हर जनता तक पहुंच रहा है। ये मतलब नया चेंजेस है। देश को सुपर पावर बनाने के लिए मोदी जी नेतृत्व का टीम काम कर रहा है। उसके साथ साथ सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हो रहा है। राम मंदिर निर्माण, काशी कॉरिडोर, उज्जैनी महाकाल कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, सोमनाथ कॉरिडोर, बुद्ध सर्किट, अयोध्या सर्किट, ऐसा सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम भी हो रहा है। ट्राइबल के लिए, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए स्मारक भी बनाया है। और कांग्रेस जमाने में कुछ स्वतंत्र वीरों को न्याय नहीं दिए थे, बीजेपी आने के बाद, मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद सरदार पटेल को भी न्याय दिया है और सुभाष चंद्र बोस को भी न्याय दिया है। ऐसा न्याय देने का काम भी मोदी जी का नेतृत्व में हो रहा है। आप सोचिए, मन की बात में हर महीने लास्ट संडे प्रेरणादायक बात तो हम लोग सुनते हैं, उसमें राजनीति नहीं है, केवल देश पर, दुनिया पर क्या अच्छा हो रहा है उसको प्रधानमंत्री जी उनके मन की बात के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम उन्हें कर रहा है। पद्मा अवार्ड एक जमाने में केवल कुछ एलिट लोगों को मिलते थे, आज ऐसा नहीं है। पद्मा प्रशस्ति पीपल प्रशस्ति के जैसे कॉमन मैन में कुछ लोग अच्छा काम कौन कर रहा है उसको मिल रहा है। सबीर सैयद के जैसे, बाबा साहेब आलियस बलवंत मोरेश्वर पुरंदरेश के जैसे, सिंधुताई जी के जैसे, भिकू रामजी इदाते के जैसे, ऐसे लोगों को आज पद्म प्रशस्ति मिल रहा है। वो चेंजेस है, बदलाव अनुभव को आता है, ऐसा चेंजेस मिल रहा है। आज इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप सोचिए, भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के जैसे दुनिया में खड़े हुआ है। संकष्ट काल में अपना जीडीपी ग्रोथ 7.2 है। दुनिया का बड़े बड़े देश आज भी संकष्ट में है, रिवर्स ग्रोथ में है।
भारत भारत में प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अपना जीडीपी ग्रोथ 7.2 है, टोटल 360 डिग्री डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। आप सोचिए भारत के जैसे देश में 108 नया यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है, वो बराबर दुनिया का स्टार्टअप का बराबर है। अरे वो ये रिफॉर्म के वजह से, मोदी जी के दूरदृष्टि के वजह से, रिफॉर्म के वजह से इकोनॉमिकल प्रोग्रेसिव हम लोगों को अनुभव में मिल रहा है। हमारा सपना है विकसित भारत, अपना सपना है आत्मनिर्भर भारत, अपना स्वप्न है सुरक्षित भारत, अपना स्वप्न है उस विकसित भारत को साकार करने के लिए हम लोग मोदी जी का स्वप्न को जनता का स्वप्न के जैसे हम हर घर तक पहुंचाएंगे। वो उसके बाद कब जनता का समर्थन 100% मिलता है उस समय पक्का अपना स्वप्न साकार होंगे। मोदी जी का स्वप्न अलग नहीं है, देश का जनता का स्वप्न अलग नहीं है। विकसित भारत तो मोदी जी का स्वप्न भी है, जनता का स्वप्न भी है। उसका साकार करने के लिए हम अलग अलग तरीका से जनता तक पहुंचने के लिए देश पर 51 बड़ा रैली, 396 लोकसभा क्षेत्र का लेवल पर रैली हम आयोजन करेंगे। लगभग 16 लाख कार्यकर्ता करोड़ों लोग तक पहुंच करके उस घर तक मोदी जी का 9 साल का योजना हर घर तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से पूरा प्रोग्राम देश पर आयोजन हम किया है। इसके बारे में आपका प्रश्न ही तो पूछ सकता है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अनुभवी क्षमतामान लोग हैं। वो लोग कब करेंगे वो तय करेंगे, उसके बारे में पार्टी ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करेंगे। वो दोनों कब तय करेंगे उस दिन पक्का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये मेरी पत्रकार मित्रों से निवेदन है कि मोदी @9 जनसंपर्क अभियान के तहत जो आदरणीय सीटीओ विशाल बताए उस पर ज्यादा जानकारी लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तो प्रश्नोत्तर चलता ही जाएगा। प्रणाली बोलो। माझा प्रश्न ऍक्च्युअली मंत्रिमंडळ विस्ताराशी संबंधितच होता। कहा ये भी जा रहा है कि अभी सरकार को एक साल लगभग पूरा होते आ रहा है, तो इस मंत्रिमंडल में जो लोग प्रभावहीन रहे हैं उन्हें निकाला जाएगा और नए चेहरों को चांस दिया जाएगा, तो क्या इसके बारे में? राइट क्वेश्चन रॉन्ग पर्सन। आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप मुख्यमंत्री के पास इस प्रश्न पूछेंगे तो आपका सही उत्तर मिलेगा। महाविकास आघाड़ी दावा कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 6 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, जबकि आप कह रहे हैं कि 45, तो ये कैसे होगा? हाँ, जनता भाजपा के साथ है। कुछ लोग ऐसा हमेशा कहते रहता है मुंगेरी लाल के जैसे, पर कर्नाटक के बाद महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं पे ये लगने लगा है कि उनकी ताकत बढ़ चुकी है और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे महाराष्ट्र में। कब चुनाव आएगा उस दिन पता होगा कौन ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। भाजपा जनता के लिए काम कर रहा है, देश मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, परिवार मजबूत करने के लिए नहीं है। एनसीपी कांग्रेस उद्धव जी के जैसे पार्टी केवल उसका खुद परिवार मजबूत करने के लिए काम करता है। उसका सोच भी परिवार कैसा मजबूत करना उसका सोच है।
हमारा सोच देश कैसा मजबूत करना, गरीबों को कैसा मदद करना, अपना सोच है, वो दोनों को सोच में अंतर है। जनता के सभी पता है कौन कौन को वोट दे देंगे तो भारत को ताकत मिलेगा, सभी को पता है। वो लोग परिवार को ताकत देने के लिए वोट नहीं देता है, देश को ताकत देने के लिए बीजेपी को वोट देता है, मुझे विश्वास है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ में होंगे, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने वाला है ऐसे? वो सवाल ही नहीं है। ये लोकसभा चुनाव होने के बाद 6 महीने के बाद आपका असेंबली चुनाव आता है, उसके पहले नहीं आता है। पीएम मोदी एट 9 के तहत जो जो कार्यक्रम और जो जो योजनाओं का लाभ देश भर में मिल रहा है वो बताया आपने, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव है, 8 से 9 महीने बचे हैं, महाराष्ट्र के लिए क्या बड़ी घोषणा है और क्या बड़े कुछ चीजें कर रहे हैं आप? रिसेंटली शिंदे जी और देवेंद्र जी का सरकार किसान के लिए और 6,000 किसान सम्मान योजना के साथ तो दे रहा है। और पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 देते थे, उसके साथ तो स्टेट गवर्नमेंट भी 6,000 दे रहा है। अलग अलग स्कीम में मुझे लगता है 29 प्रेस मीट थी, उस प्रेस मीट में देवेंद्र जी सब बताया है। हाँ, वो डिटेल्स आपके सामने रखा है। धन्यवाद।